हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन स्कूल सब्जेक्ट्स का टॉपिक करेंगे, स्कूल सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन्स के बीच रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए इस चैनल पे आपको बीएड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आपको पसंद आई तो अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक कि स्कूल सब्जेक्ट और एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आपको अपना आंसर प्रेजेंट किस तरीके से करना है। तो कभी भी अपने आंसर में लॉन्ग पैराग्राफ्स को इंक्लूड ना करें, हमेशा अपना आंसर शॉर्ट पैराग्राफ्स में ही आप लिखें, ठीक है। सो डिसिप्लिन रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी, ठीक है। देखिए हमने स्कूल सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा है क्या होते हैं, और एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 1 था इस सब्जेक्ट से, और ये हमारा लेक्चर 3 था इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है दोनों का ही, और प्लेलिस्ट का भी, ठीक है। वहां पे जाके आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि रिलेशनशिप आपको तभी अच्छे से दोनों के बीच समझ आएगी। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये रिलेशनशिप आपको उतनी इफेक्टिवली अच्छे से समझ नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं स्कूल सब्जेक्ट और एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में आपको इस क्लास में भी बताऊं। तो देखिए स्कूल सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि आप सभी ने अपने स्कूल में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। प्राइमरी में अलग सब्जेक्ट पढ़े होंगे, एलिमेंट्री में अलग, सेकेंडरी में अलग, सीनियर सेकेंडरी में अलग, कुछ इनमें से कॉमन भी होंगे सभी में, और कुछ किसी में ऐड हुए होंगे, किसी में कुछ चले गए होंगे सब्जेक्ट्स, तो इस तरीके से रहा होगा। तो बेसिकली एक स्कूल सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ये हमें सिस्टमैटिक नॉलेज देते हैं, ठीक है, और पढ़ाने में, लर्न करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो स्कूल सब्जेक्ट क्या है, स्कूल सब्जेक्ट्स आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और साथ में हम इसको बोल सकते हैं ये आपके फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी है और ब्रांच ऑफ नॉलेज है, यही है, ठीक है। अब देखिए ये बात आपकी स्कूल सब्जेक्ट के लिए भी है, ये दो फील्ड ऑफ स्टडी है, और साथ में एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए भी है, ठीक है। और यही बात आपकी ब्रांच ऑफ नॉलेज दोनों ही है। ये आपका देखिए स्कूल सब्जेक्ट है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्कूल लेवल पे है, और ये आपका हायर एजुकेशन लेवल पे है, यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे हम उसको एकेडमिक डिसिप्लिन बोल देते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ठीक है। ये सब क्या है, ये डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। दीज कैन मोस्टली बी सीन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया। दिस हाउ एवर डज नॉट डिनोट दैट डिसिप्लिन्स कैन नॉट बी सीन इन अदर एजुकेशनल सेटिंग सच एज स्कूल। सो हो सकता है स्कूल्स में भी आपको देखने को मिले। स्कूल्स में देखिए जनरली आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पे डिसिप्लिन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सोशल साइंस की, तो इसके अंदर अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स बोल दीजिए, जो भी आप बोलना चाहें, और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहता है डिसिप्लिन्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे है, यहाँ पे ये यह आपको स्कूल लेवल पे भी देखने को मिलते हैं। इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज अ स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर वाइस वर्सा देखें तो मैथमेटिक्स स्कूल सब्जेक्ट भी है, लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये एक डिसिप्लिन भी है। जैसे कि आप अपनी बैचलर्स कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो मैथमेटिक्स में, ग्रेजुएशन लेवल पे कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है डिसिप्लिन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन द डिसिप्लिन एटसेट्रा। तो देखिए एक डिसिप्लिन में अपनी थ्योरीज होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं,
स्कूल सब्जेक्ट के बारे में भी है ये, ठीक है, डेफिनेशंस हो गई, ठीक है, अपने रिसर्च हो गई, अपने एक्सपेरिमेंट्स हो गए, और इनको पढ़ाने वाले अपने एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है, एटसेट्रा। तो यही सब चीजें होती हैं किसमें, एक स्कूल सब्जेक्ट में भी और एक एकेडमिक डिसिप्लिन में भी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज परसुइंग हिज स्टडीज इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन नॉट ओनली गेन्स एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट बट ऑल्सो परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च एज वेल। जैसे कि आप अपने एजुकेशन में ही देख सकते हो, एजुकेशन फील्ड की डिसिप्लिन है ये, आपका एजुकेशन भी एक डिसिप्लिन ही है ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे आप बहुत सारी रिसर्चेस भी करते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो, आप अपनी इंटर्नशिप भी करते हो, आप यहाँ पे बच्चों को ऑब्जर्व भी करते हो, और ये सब चीजें मिला के आपका एक डिसिप्लिन बनाती है, राइट। तो ऐसे ही हर फील्ड में, चाहे आप लॉ की फील्ड देखो, मेडिकल देखो, इंजीनियरिंग देखो, एटसेट्रा, कोई भी देखो, ठीक है। सच अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज स्पेशलाइजिंग इन चोजन सब डिसिप्लिन। अब देखिए, जो ये चीजें एक्सपेरिमेंट, रिसर्चेस, ये सब परफॉर्म, ऑब्जर्वेशन, ये सब कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी स्पेशलाइजेशन चाहता है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, ठीक है। और जो टीचर्स इसको पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी एक्सपर्ट या स्पेशलाइज होते हैं इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, जिसकी भी बात करें, जिसमें भी ये रिसर्चेस वगैरह चीजें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्कूल सब्जेक्ट आर बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन दैट विल टर्न द लर्नर्स इनटू स्पेशलिस्ट इन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, देखिए, वो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे उसके, ठीक है। अ स्कूल सब्जेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो रिजल्ट किसका है एक स्कूल सब्जेक्ट, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन का। देखिए, बहुत सिमिलर है ये दोनों चीजें, ठीक है, बहुत सिमिलर है, ठीक है, इनमें हम बोल सकते हैं माइनर थिन लाइन ही डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे स्कूल सब्जेक्ट्स कम फर्स्ट, एकेडमिक डिसिप्लिन कम लेटर इन वंस जर्नी ऑफ लर्निंग फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। कैसे? क्योंकि ये स्कूल में आया, ये आपका हायर लेवल एजुकेशन में आया, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में, ठीक है। एन एकेडमिक डिसिप्लिन प्रोवाइड्स एन एंड पॉइंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट एंड स्कूल सब्जेक्ट फर्निश द एवेन्यू फॉर गेटिंग टू नो द एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट्स कैन हैव डिफरेंट वेरिएबल रिलेशनशिप टू एन एकेडमिक डिसिप्लिन। वो कैसे? डिपेंडिंग ऑन देयर एम, कंटेंट एंड डेवलपमेंटल फेस। देखिए, हो सकता है एक एकेडमिक डिसिप्लिन का और स्कूल सब्जेक्ट के सेम एम्स हो, कंटेंट भी कुछ सिमिलर हो, डेवलपमेंटल फेजेस भी हो। जैसे कि आप देखते हो, आप अगर यहाँ पे किसी भी अपने पेडागोजी सब्जेक्ट को देखते हो, तो वहां पे अगर उसका जो सिलेबस होता है वो आप 6th 7th 8th का बच्चों का जो पढ़ते हो, तो वो आप जैसे कि मैथ्स का ले लो या इंग्लिश का ले लो, तो आप उनकी चीजें ही पढ़ते हो, ठीक है। मतलब आपके डिसिप्लिन में क्या है, वो चीजें सिमिलर हैं कुछ कुछ। तो देखिए, ऐसा बहुत कुछ कॉमन होता है स्कूल सब्जेक्ट और अकेडमिक डिसिप्लिन के बीच। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हो सकता है उनकी एम, कंटेंट और डेवलपमेंटल फेस कुछ चीजें सिमिलर हो, ठीक है, सेम हो। स्कूल सब्जेक्ट आर डेराइव फ्रॉम अकेडमिक डिसिप्लिन। देखिए, जो स्कूल सब्जेक्ट है वो अकेडमिक डिसिप्लिन से ही डेराइव किए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रॉड वे में होते हैं और ये थोड़े नैरो होते हैं। दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अकेडमिक डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिएगा, हिस्ट्री एज अ स्कूल सब्जेक्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, ठीक है। हिस्ट्री कहाँ से आया है, कौन से एकेडमिक डिसिप्लिन से? ह्यूमैनिटीज से आया है। एंड बोथ हिस्ट्री, अ स्कूल सब्जेक्ट एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये एक डिसिप्लिन है और ये एक स्कूल सब्जेक्ट है, आर नरेटिव स्ट्रक्चरली, ठीक है। इनको मतलब देखिए, ऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक है, बट वहां पे इनका कंटेंट देखिए, हो सकता है चीजें सेम हो पर डेप्थ लेवल चेंज हो जाता है। यहाँ पे और बारीकी से इन डेप्थ स्टडी होगी, लेकिन वहां पे जब हिस्ट्री को एज अ स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो इतनी इन डेप्थ नहीं होंगी चीजें, ठीक है। वो बिल्कुल समझने वाली बात है, क्यों? एज ग्रुप के हिसाब से, मेंटल लेवल के हिसाब से। दैट इज नेचर ऑफ बोथ द कंटेक्स्ट। साइंस एज वेल एज अ डिसिप्लिन डिडक्ट ट्रूथ थ्रू इंडक्टिव अप्रोच एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर फिजिक्स ऑल्सो विच इज अ स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। तो
ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, देखिए जैसे हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज से है, तो ऐसे आप बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लाइक ग्रुप्स आई हैं। अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी से, सोशियोलॉजी से आप सोशल साइंस बोल सकते हैं डराइव्ड हुआ है, राइट, क्योंकि उसमें भी हम सोसाइटी के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फेथफुल एंड वैलिड इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। देखिए स्कूल सब्जेक्ट आपको फर्दर लाइफ में हायर लेवल पे एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ने के लिए तैयार कर देते हैं, मतलब आपको रूट्स पता चल जाती हैं किसी भी चीज की, ठीक है। व्हाइल स्टूडेंट्स आर डीलिंग विद रिलेटिवली सिंपल आइडियाज एंड मेथड्स इन स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल आइडियाज और मेथड्स आपको पता चल जाते हैं किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन के स्कूल सब्जेक्ट के अंदर जब आप उसको पढ़ते हैं। दे स्टडी द सेम आइडियाज एंड मेथड्स नोन बाय द एक्सपर्ट्स इन द एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो देखिए जो स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं वो भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। फिर एक्सपर्ट्स का लेवल हाई हो जाता है हायर लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द सेंट्रल पर्पस ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट लाइक ऑफ अ डिसिप्लिन। अब दोनों का देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है, पर्पस है कि इनिशिएट करना, इनिशिएट द यंग इन टू द अकेडमिक कम्युनिटी ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ पे टीचिंग लर्निंग हो, ठीक है, और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप कराना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट्स देयरफॉर आर सपोज टू डेराइव देयर लाइफ फ्रॉम देयर रिलेटेड इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। स्कूल सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट अ फेथफुल एंड वैलिड इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कूल सब्जेक्ट की और डिसिप्लिन की, एकेडमिक डिसिप्लिन की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो दोनों में ही यूज होती हैं, या टेक्निकल टर्म इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो दोनों में ही यूज होती है। लेट सपोज हमें पता है बायोलॉजी कहाँ से डेराइव्ड है, मेडिकल साइंस से, ठीक है, ये एक स्कूल सब्जेक्ट है और ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, लेकिन दोनों के अंदर ही कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं ब्लड, प्लाज्मा, ठीक है, एंड डिफरेंट थिंग्स। देखिए ब्लड सेल्स हो गए आपके, टिश्यूज हो गए, तो ये चीजें देखिए ये इनकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो यहाँ पे बता दी जाती हैं, एज अ स्कूल सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, और इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है आपका किस में, एक एकेडमिक डिसिप्लिन में, बीएससी या एमएससी में, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है या ग्रेजुएशन लेवल पे है वो डिपेंड करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर डीलिंग विद रिलेटिव सिंपल आइडियाज एंड मेथड्स, दे स्टडी द आइडियाज एंड मेथड्स, तो ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप है, अगर ये क्वेश्चन आता है एंड, तो आप इस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो नोट्स के लिए देखिए आप कांटेक्ट करें सेल्स पर्सन को, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका नंबर है 8860240570, मिस्टर रोहित, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, या और भी कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए बीएड से रिलेटेड या अदर किसी टीचिंग कोर्स से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो वहां से आपको मिल जाएगा। आप इनको व्हाट्सएप करें, कॉल्स अवॉइड करें, आप व्हाट्सएप करें इस पर्टिकुलर नंबर पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।